नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंच में। रक्षा से जुड़ी आपके लिए एक अच्छी खबर है। नए सीडीएस के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो सीडीएस से जुड़े उन सभी पहलुओं पर हम कुछ पॉइंट्स को आधार बना के कवर करेंगे। जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट, इस पद के सृजन का इतिहास क्या है। दूसरा, सीडीएस की नियुक्ति किस तरह होती है। तीसरा पॉइंट है, सीडीएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथा है, सीडीएस का काम क्या होता है। और पांचवा है, नए सीडीएस के सामने चुनौतियां कौन सी होंगी। तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला है, इस पद के सृजन का इतिहास क्या है। तो 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो उस समय देखा गया कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य बनाने में कठिनाई आ रही थी। तो युद्ध के बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार एक कमेटी का गठन किया, लेकिन किसी विशेष कारणों की वजह से वह कमेटी ने इस पर ध्यान नहीं दे पाई। 2019 में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इस पद की औपचारिक घोषणा की और तत्कालीन जनरल बिपिन रावत को प्रथम सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया। दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में एक दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत का दुखद निधन हो जाने के कारण यह पद अभी तक खाली रहा। 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न है, सीडीएस की नियुक्ति किस तरह होती है। तो सीडीएस की नियुक्ति, सीडीएस जो होता है यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। तीसरा है, सीडीएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सीडीएस बनने के लिए योग्यता कम से कम जनरल अथवा लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक का अधिकारी होना चाहिए, चाहे वह रिटायर्ड हो या सेवारत हो। इसके साथ ही उसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। 62 वर्ष से अधिक उम्र अगर होगी तो इस पद के लिए योग्य नहीं होगा। तीसरा है, सीडीएस का काम क्या होता है। तो सीडीएस का काम होता है कि तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाते हुए सैन्य ताकत को बढ़ाना। साथ ही सीडीएस का काम यह होता है कि जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तीसरा है, नए सीडीएस सामने चुनौतियां क्या होंगी। तो नए सीडीएस सामने मुख्य चुनौती यह होगी कि तीनों सेनाओं में अच्छी तरह से तालमेल अथवा सामंजस्य बनाते हुए सैन्य ताकत को कई गुना और अधिक बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।